अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और ये आटा जो देख रहे हैं ना आप मेरे हाथ में, ये मैंने सुबह में गूंदा था रोटी बनाने के लिए। हम लोगों ने ना सुबह में आज रोटी बनाए थे, लेकिन ये वाला जो आटा था ना वो कुछ रह गया था उसमें से। और अभी रिदान बच्चों के साथ में नीचे खेल रहा था बिल्डिंग के नीचे, तो अभी आया हुआ है और कहने लगा कि भूख लगी है, कुछ तो मतलब ऐसे स्नैक्स टाइप का खाने दे दो। तो मैंने बोला अभी इसको क्या बना के दूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है और बाहर से तो कुछ लाया हुआ भी नहीं था घर पर। तो मैंने सोचा चलो ये आटा भी बचा हुआ है, और मेरे पास ना इस तरह से ये सब्जी बची हुई थी थोड़ी सी, मैंने प्याज और टमाटर की ये वाली सब्जी बनाई थी तो ये भी बची हुई थी। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से बना कर देती हूँ इसको, मतलब जैसा अच्छा भी लगे और टेस्टी यम्मी जैसा कुछ तो बना के देती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना ये अभी एक रोटी बेलूंगी पूरी, मतलब ऐसा जैसा हम रोटी खाते हैं ना वैसी वाली, मैं अभी पूरी एक रोटी बना लूंगी। फिर जो है मुझे वो मेरी जो सब्जी थी ना वो मुझे इस पर डालनी है, और मैं ये मतलब पूरे रोटी के ऊपर नहीं डालने वाली, सिर्फ आधे हिस्से में इसके डालने वाली हूँ। और ये यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ था, छोटा सा क्यूब था चीज़ का, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि रिदान को चीज़ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो हमेशा जो है ना मुझे यही कहते रहता है कि अम्मी अगर नाश्ते में भी आप मुझे अंडा ब्रेड दे रहे तो उसमें भी चीज़ डाल के दे दो करके बोलते रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिया है उसके लिए। और ये देखो इस तरह से जो मेरे पास ये सब्ज़ी बची हुई थी ये मैंने ना इसमें ऐसा थोड़ा सा टमाटो सॉस डाला था ताकि थोड़ा अच्छा यम्मी टेस्ट आने के लिए। और ये मैं सिर्फ आधे हिस्से पर लगा लूँगी पूरा, और उसमें मैं अभी चीज़ कट करके डालूंगी। आप चाहे तो घिस कर भी डालते हैं ना वैसा भी डाल सकते हैं, और मैंने जो यहाँ पे कट करके इस तरह से डाला था, तो यहाँ पर चीज़ जो है इस तरह से मैंने इसमें काट कर डाला है। आप चाहे तो मतलब मेरे पास तो ये सब्जी थी इसलिए मैंने इसमें ऐसा किया है, आप चाहे तो और भी इसमें दूसरी भी मतलब शिमला मिर्च वगैरह की सब्जी या गोभी वगैरह भी थोड़ा सा बारीक कट करके ये भी आप सब डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। और जो आधी रोटी बची हुई थी इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करके ना चाकू की मदद से इसके दो हिस्से कर लेंगे। और हमें ना इसे डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, इसलिए इस तरह का एक फ्राई पैन लेंगे जिसमें हम एक ही चम्मच सिर्फ तेल डालेंगे और इसे जो है ना वो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्योंकि तो देखिए एक साइड जो है वो हमारी फ्राई हो चुकी थी, इसलिए इसे हम अभी पलट पलट लेंगे, दूसरी साइड भी जो है वो अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी एक मैंने प्लेट लिया है जिसमें मैं टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। तो ये जो है हमारा स्नैक्स रेडी हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये वाली स्नैक्स की रेसिपी। ये हम नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, और चीज़ वगैरह डालने के बाद तो फिर पूछो ही मत लाजवाब। तो ज़रूर आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।